बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उदयपुर रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 6:30 बजे के आसपास एटीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? विस्तार से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर क्या बताया गया? देखिए बिल्कुल, इस पूरे ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घटनाक्रम में राजस्थान, पूरे राजस्थान को एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तरह तरह के जो मॉड्यूल थे उनका जिक्र सामने आ रहा था कि आतंकी मॉड्यूल तो नहीं है, या लगातार बात करें कि कोई अन्य मॉड्यूल तो राजस्थान में सक्रिय नहीं हो गया है। इसमें बहुत जल्द खुलासा किया गया, खुद एटीएस एसओजी के जो एडीजी हैं अशोक राठौर, वो मौके पर पहुंचे थे, घटना स्थल का मुआयना किया था और लगातार जो वहां की स्थानीय पुलिस थी और उनसे भी संपर्क में थे। अभी तक की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, इसमें 2 से 3 स्थानीय लोकल जो इसमें साजिश करता है उनको गिरफ्तार किया गया है। शाम 6:30 बजे एसओजी का जो मुख्यालय है वहां पे प्रेस वार्ता रखी गई है, उस प्रेस वार्ता में पूरा घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा, कैसे साजिश को किया गया, इसके पीछे मकसद क्या था, क्या उदयपुर की आबो हवा को किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश थी, उदयपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश थी, ये उसके पीछे की असली वजह क्या थी, ये शाम 6:30 बजे जो एटीएस एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ये खुलासा करेंगे। लेकिन राजस्थान के लिए फिलहाल सबसे बड़ी राहत ये है, क्योंकि आप देखिए उदयपुर को बहुत सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा जा रहा है, और कन्हैयालाल हत्याकांड को अभी 4 महीने भी ठीक तरीके से नहीं बीते थे कि ये अपने आप में बड़ी चुनौती राजस्थान पुलिस के सामने, एटीएस के सामने आके खड़ी हो चुकी थी। तमाम एजेंसी अपने अपने तौर तरीके से इसके अंदर सक्रिय हुई थी, लेकिन फिलहाल एटीएस एसओजी को इसके अंदर बड़ी सफलता मिली है। शाम 6:30 बजे इसको लेकर पूरी जो खुलासा है वो किया जाएगा। आशुतोष, खुलासे का इंतजार जरूर होगा, लेकिन क्या कोई इस बाबत भी जानकारी आपके पास है कि कैसे ये सुराग लगा, और उसके बाद जो कुछ जगहों से विस्फोटक की बरामदगी हुई थी उससे भी क्या कोई तार जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें जिस तरीके से प्लान किया गया था इस घटनाक्रम को, आमतौर पर आप देखेंगे कि नक्सली हमले इस तरीके से होते आए हैं, या आतंकी अगर हम किसी तरह का इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो आमतौर पर इस तरह की साजिश की भी जाती है, लेकिन बहुत बड़ा अपने आप में एक प्लानिंग की गई थी। अब इसके पीछे कोई असामाजिक तत्व थे, या जिन मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, कोई नक्सली मॉड्यूल तो इसके अंदर डेवलप नहीं हो गया था, उदयपुर में स्थानीय तौर पर कोई आतंकी जो मॉड्यूल है वो तो डेवलप नहीं हो चुका है। ये तमाम जो तथ्य हैं और ये तमाम जो इनपुट्स लगातार एजेंसीज के सामने आते रहे थे, और इन्हीं इनपुट्स के आधार पे आगे बढ़ा गया। आसपास के तमाम जो सीसीटीवी के फुटेज थे वो खंगाले गए, और अभी तकनीकी पहलुओं के आधार पे जो शुरुआती सफलता मिली उसके आधार पे अब 2 से 3 इसके अंदर जो साजिश करता है उनको बेनकाब करते हुए अब से कुछ देर बाद में जो राजस्थान की एटीएस एसओजी है वो नजर आएगी। अब इसके पीछे मकसद क्या था, क्या बड़ी वजह थी, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनका किस तरीके का ताल्लुक, क्या कोई आतंकी इनका कनेक्शन है, या किसी कोई ये विशेष किसी ग्रुप के साथ अपना ताल्लुक रखते हैं, ये अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस प्रेस वार्ता के बाद ही साफ हो पाएंगी। आशुतोष, एक महत्वपूर्ण सवाल एक संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि एनआईए और दूसरी एजेंसी अभी जांच कर रही थी, तो ये साझा कार्रवाई थी या एटीएस को ये कामयाबी अपनी जांच में मिली? देखिए, आमतौर पर जब इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम सामने आता है जिससे देश की किसी भी प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है और इसमें इस तरह की बात सामने आती है, देखिए जिस समय इस पूरी प्लानिंग को किया गया था उस समय G20 शिखर सम्मेलन था, उसकी शुरुआत होनी थी, गुजरात जो चुनाव है वो नजदीक है और उदयपुर का जो बॉर्डर है वो गुजरात से लगता हुआ है, तो किसी भी तरह की कोई भी साजिश को नकारा नहीं जा सकता था, किसी भी तरह बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता था, और बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा था, और ये अगर 3 लोगों को पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जरूर इसे कहा जाएगा। शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।